everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new here, my name is Antima Dubey. I make videos on makeup, fashion and lifestyle. So I'm back with another makeup video and today I'm going to share last minute Karwa Chauth makeup look. Last minute main isliye bol rahi hu kyunki maine bhi is makeup look ko bahut hi zyada jaldbaazi mein create kiya hai. Actually jo log Delhi mein hain unko pata hoga ki yahan par 3-4 din se continue din raat barish ho rahi hai jiski wajah se na बहुत ही ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ पड़ा है. लाइक इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है एंड मैं 3-4 दिन से वेट कर रही थी कि बारिश बंद हो जाए उसके बाद ये वीडियो मैं लाऊंगी, बारिश बंद हो जाए उसके बाद मैं ये वीडियो लाऊंगी, लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी एंड एक दिन बाद ही करवा चौथ है तो मुझे ये मेकअप लुक ना जल्दबाजी में करना पड़ा. लेकिन जिस तरह से ये टर्नआउट हुआ है मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट एंड क्लासी सा मेकअप लुक लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है. यू कैन easily recreate this makeup look क्योंकि उस दिन वैसे भी किसी के पास time नहीं होता है. So without any further ado, let's move on to video. All right guys, तो skin care मैंने off camera कर लिया है ताकि video लंबी ना हो और हम direct start करेंगे makeup. Makeup में मैं सबसे पहले apply कर रही हूँ primer. आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो but आपको primer skip नहीं करना है क्योंकि primer जो है वो makeup का important part होता है. Basically इसका काम होता है आपकी skin पे जो भी texture है उनको even out करना, ओपन पोर्स को फिल करना, फाइन लाइंस एंड रिंकल है तो उनको फिल करना और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है उसका ये है कि ये मेकअप एंड स्किन के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे आपकी स्किन उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होती है मेकअप से. उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है इल्यूमिनेटर. भाई नाइट मेकअप लुक है तो चमकना दमकना तो बनता है. देन मैंने यहाँ पर लिया है इनसाइड कॉस्मेटिक का कंसीलर, उससे मैं अपने डार्क सर्कल को कवर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ना पता चले कि मैं कितनी आते जागती हूँ आप लोगों को वीडियो देने के लिए. अच्छा, इसको मैंने अच्छे से अप्लाई किया है लिड वगैरह पे और अच्छे से मैं अब इसको ब्लेंड कर लूँगी. ये कंसीलर ना मेरा फेवरेट कंसीलर है, ट्रस्ट मी. आप देख सकते हैं इसकी कवरेज, मतलब मुझे फाउंडेशन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. और इसकी एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि इसका अंडरटोन एंड मेरी स्किन का अंडरटोन एग्जैक्ट मैच करता है. अच्छा, मैंने एक ऐसा कंसीलर यूज़ किया था जिससे मुझे फुल कवरेज मिल गई थी तो मुझे फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक लो कवरेज का फाउंडेशन अप्लाई कर ही लेते हैं जो कि अगेन इनसाइड कॉस्मेटिक से है. दोनों का लाइक फाउंडेशन एंड कंसीलर का अंडरटोन एंड शेड जो है बिल्कुल मैचिंग है सो ये मेरी स्किन पे दोनों ही ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं. दोनों को अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है कॉन्टोर स्टिक जो कि है NYB की. थोड़ी सी लाइट है बट काम चल जाता है क्योंकि मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा फैट नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है. इसको मैंने मुझे जहाँ जहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत थी मैंने अप्लाई किया एंड मैंने इसको ना नीचे जहाँ पे चिन है वहाँ पे अप्लाई किया, लाइक जो डबल चिन जहाँ पे हो जाती है क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फैट बढ़ा है. सो अभी तो हम इसको हाइड कर लेंगे कॉन्टोर स्टिक से, बाद में वर्कआउट कर लेंगे. देन मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, बहुत ही अच्छे से ये भी ब्लेंड हो जाता है आप देख सकते हैं. सो आप जितना ब्लेंड करेंगे अपने बेस को ना उतना ही फ्लॉलेस आपका बेस होगा. तो मैं बार बार ब्लेंड करती हूँ, मतलब जितनी बार मुझसे हो सकता है ना मैं ब्लेंड करती हूँ. देन मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर यूज़ किया है और उसके बाद मैं अगेन ब्लेंड करूँगी. अगर ऐसा आप करते हैं ना तो आपका जो बेस है वो और भी ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा, ड्यूई दिखेगा एंड लॉन्ग लास्टिंग होगा. इसलिए मैंने बीच में भी एक बार मेकअप फिक्सर यूज़ कर लिया और उसके अच्छे से ब्लेंड कर लिया. देन मैंने यहाँ पर लिया है माइक्लैम का ट्रांसल्यूशन पाउडर. ट्रांसल्यूशन पाउडर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कवरेज नहीं होती है बट आपका जो बेस है वो अच्छे से सेट हो जाता है एंड थोड़ा सा ब्राइट कर देता है. आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे हाइलाइटिंग कंसीलर नहीं यूज़ किया है, इस वजह से मैंने ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज़ किया है. देन मैंने अपने कॉन्टोर को ब्रॉन्जर की हेल्प से सेट कर लिया और आप देख सकते हैं कि अभी मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा पतला पतला लग रहा है. देन मैंने यहाँ पर लिया है ब्लशर. ब्लशर के लिए मैंने यूज़ किया है आई शेडो. आई शेडो को पहले मैंने अपने बैक ऑफ हैंड पर थोड़ा सा वार्म अप किया देन अप्लाई किया. अच्छा, ये वाला जो पर्टिकुलर शेड है ना ये मुझे ब्लश के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. आपने मुझे कई बार देखा होगा इसको अप्लाई करते हुए, मरून सा इसका शेड है. देन मैंने लिया है हाइलाइटर और इसको मैंने अपने जितने भी हाई पॉइंट्स थे ना वहाँ पे अप्लाई किया. थोड़ा सा मैं ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये नाइट मेकअप लुक है तो हाइलाइटर वगैरह तो यू नो, जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा. देन मैंने फिर से अपने बेस को सेट किया. मेरा पूरा बेस जो है वो सेट हो चुका है और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे ब्रो पाउडर. वैसे तो मैंने उसकी जगह पे आई शेडो लिया है ब्लैक कलर का. आपका जो
भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे लिया है आई शेडो और जो एकदम न्यूट्रल सा कलर था उसको मैंने एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ किया है। ज़रूरत नहीं थी मुझे, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना था, बट फिर भी एक डेप्थ मिल जाती है आपकी आँखों को अगर आप ऐसा करते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरी जो क्रीज है वो डिफाइन लग रही होगी इसको अप्लाई करने के बाद। इससे आपको पता चल जाता है कि आपको जो लिड पे कलर अप्लाई करना है वो कहाँ तक अप्लाई करना है और कहाँ तक नहीं। देन मैंने यहाँ पे लिया है गोल्ड कलर। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेकअप का, स्पेशली आई मेकअप, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आई मेकअप में लगता है, तो ये वाली ट्रिक आप अपनाइए। देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया, देन मैंने यहाँ पे गोल्ड अप्लाई किया है ऑल ओवर लिड पे और कितना ब्यूटिफुल आई मेकअप लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा इसमें काम किया है। एंड थोड़ा सा ये जो गोल्डन शेड है मैंने अपनी इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया एंड दूसरा मैं इसको अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करूँगी, हल्का सा स्मोक आउट करूँगी सेम शेड से। अगर आप ऐसा करते ना तो बहुत ही रॉयल लुक आता है, मतलब एकदम जो वो रानी महारानी वाला लुक नहीं होता था वैसा आता है। तो मैंने सिर्फ हाफ लोअर लैश लाइन पे इसको अप्लाई किया एंड हाफ मैंने ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि जब हम मस्कारा अप्लाई करते हैं अपनी लोअर लैशेस पे ना तो ऐसा लगता है वो हल्की सी स्मोक आउट लगती है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको अगर काजल वगैरह अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे फटाफट से ये मेकअप करना था इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही किया और इतना ही मुझे अच्छा लगता है, सो मैंने और इस पर ज़्यादा कुछ भी अप्लाई नहीं किया। देन मैंने अपनी लोअर लैशेस एंड अपर लैशेस को अच्छे से कोट कर लिया विद मस्कारा एंड अब जो भी वॉन्ड में मस्कारा बचा हुआ था ना उसको मैंने अपनी आईब्रो पे अप्लाई किया, पूरी अपनी आईब्रो को सेट करने के लिए। एंड देन हल्का सा मैंने यहाँ पे लूज फॉइल लगाया है गोल्ड कलर का, इससे जो आंखों की शाइन है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा आज मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आई लैशेस कैसे अप्लाई करते हैं। वैसे बहुत सारे वीडियो में मैंने अप्लाई किया है, ट्यूटोरियल भी शायद इसका है, बट एक बार फिर से आप देख लीजिए। आपको आई लैशेस लेना है, ग्लू लेना है, अच्छे से ग्लू को अप्लाई करना है एंड इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर की तरफ आपको थोड़ा सा ग्लू ज़्यादा अप्लाई करना है क्योंकि आपकी लैशेस जो है ना वहीं से निकलती हैं। देन आपको 30 सेकेंड वेट करना है एंड उसको हल्का सा मैं राउंड अप कर देती हूँ ताकि उसकी शेप ख़राब ना हो। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना इजीली मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है लिप लाइनर जो कि मरून सा कलर है, स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है, काफ़ी अच्छा लिप लाइनर है, बहुत ही अफोर्डेबल है, 45 या 50 रुपीज़ का लिप लाइनर है, बट यू नो ऑसम है। उसके बाद इसको मैं अच्छे से अपने लिप्स को कॉन्टोर कर लूँगी एंड देन मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर 2 शेड अप्लाई किया है, एक तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की पिंक टाइप की लिपस्टिक है, थोड़ा सा अलग सा कलर है, पिंक रेड मिक्स करके है ये कलर। एंड देन मैंने इसकी ऊपर अप्लाई किया है मामा अर्थ की लिपस्टिक, शेड नेम आई थिंक प्लम करके कुछ है, वही शेड है इसका। सो ये दोनों लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर लिया है एंड दिस इज अ फाइनल लुक गाइस। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना। बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हां, अगर आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी फॉलो कर ले, लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बाय एंड टेक केयर।